ने था बुरका और भी पहने नकाब भी ले हाँ। जो उसमें और अच्छी लगी थी था। ठीक है आप कंसीडर करेंगे इस तरह की नंबर वन पे प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो एक्टर एक्टर डायरेक्टर हाँ मुझे एक्टर बहुत अच्छे लगे सबसे अच्छा आपको एज एक्टर लगते हैं कमाल का एज हस्बैंड नहीं एज एक्टर सबसे हाँ मैं हस्बैंड से ज्यादा अच्छा एक्टर मैं यार बिल्कुल आखिरी आएगा अच्छा इससे कह रहा हूँ पड़ोसी भी अच्छे हैं ठीक है उसके बाद एज ड्राइवर भी अच्छे हैं हाँ उसके बाद नहीं फादर तो फिर मैं उससे ऊपर कहूंगी ना फादर सबसे सबसे पहले फादर फादर फिर एक्टर डायरेक्टर सबसे आखिर में हस्बैंड सन ब्रदर सन जो है मैं हाँ सन भी अच्छे हैं लाइक पहले फादर सन सन फिर डायरेक्टर डायरेक्टर फिर ब्रदर ब्रदर फिर एक्टर फिर ड्राइवर भी अच्छे गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर बहुत अच्छे हैं यार एक बात बताएं आप क्यों आप हस्बैंड ड्राइवर अच्छे नहीं हो आप बहुत लंबे रास्ते लेके जाते हैं नहीं ड्राइवर मैं अच्छा हूँ निदा किन किन के घर है उन रास्तों पे आपने कभी नोटिस किया है जिस रास्ते पे स्पीड ब्रेकर है वहाँ जाता है यहाँ से निदा बैठती है ज्यादातर ड्राइवर के साथ पीछे और जब ये आगे बैठती है ना फिर इनको समझती है ड्राइवर मेरे साथ बैठा हुआ है करीब से गुजरी है मैं कहाँ से करीब से गुजरी है फुटपाथ 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 मैं भाई तुम पीछे बैठो यार क्या है भाई मैं जा रही हूँ अच्छा आपकी घरेलू कपड़े पहने हुए ऑफिस के मैंने तो आपका एक बैग ही सब पे भारी है यही जिससे आपको गर्मी लगती है ये इसलिए लिया इसमें वाई लिखा हुआ है एस और एल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर नहीं नहीं वाई लिया वाई की वजह से यासिर तो एस एल नजर ही नहीं आया हाँ। वाई नजर आया वाई और यासिर वाई और यासिर यार आप हस्बैंड चले जैसे भी हैं हाँ। लेकिन आप तो बहुत अच्छी वाइफ है ना मैं भी पसाई नहीं क्यों क्योंकि बस सही अपने आप को भी अब सही नॉर्मल है बस अब फरिश्ते थोड़ी हैं अबे गुटनी वाला काम करने वाला है अरे नहीं लास्ट टाइम भी याद नहीं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था मैं भंड मारा था मैंने भंड मारा था और उसकी गूंज मैं आज तक सुन रहा हूँ तो भंडना मारना आपने तो नहीं भंड मारा था शुरू निदान ही किया था वो हाँ। अब तुम चाह रहे हो रिपीट हो हाँ कौन सा मुझे ऑनेस्टली नहीं किया अच्छा नहीं मुझे बताएं आप यासिर भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल होने वाले हैं 21 साल हो गए आपने खामोश रहना है यासिर भाई का फेवरेट कलर कौन सा भाई इसमें तो अभी तो ब्लैक ही है क्योंकि उसमें पतले लगते हैं ब्लैक आपका फेवरेट कलर वैसे और भी कलर्स हैं लगता हूं नहीं, नहीं, नहीं 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 और नहीं एक आपने यासिर का फेवरेट कलर बताना देखिए यासिर को अपने ऊपर ब्लैक पसंद है और आपके ऊपर मेरे ऊपर जरा ब्राइट कलर्स भी पसंद है वो डिपेंड करता है थोड़े रस्ट कलर या ऑरेंज या मुझे खुद पिंक या लाइट इस तरह के कलर सही जवाब दिया उन्होंने काफी हद तक सही काफी पीच पिंक का मैं तो चाहता था बुरका और भी पहने नकाब भी ले मुझे उसमें और अच्छी लगी ठीक है आप कंसीडर करेंगे इस तरह की मैं अल्लाह के लिए करूंगी मैम अल्लाह के लिए कर अल्लाह के नाम भी कर लो यार अच्छा अच्छा यासिर भाई का फेवरेट जो हॉलिडे डेस्टिनेशन है वो क्या घर है भाई घर सीरियसली मुझे घर एक बंदे को एक बंदे को अगर जो है वो आप कहीं जा भी रहे हैं घूमने के लिए तो बस होटल में रहने का आप लोग घूमते हैं माशाल्लाह हर वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन घर है इतने बोरिंग यकीन मानोगे जब मुझे ट्रैवल करना होता है ना मैं मजाक नहीं कर रहा मुझे 3 दिन पहले डिप्रेशन शुरू हो जाता है अरे यार ये फिर जहाज भी जाऊंगा फिर वो सुबह उठना पड़ेगा और आप इसकी ऑपोजिट हैं बिल्कुल निदा ऑपोजिट है तो वो ये अगर निदा मेरी वाइफ नहीं होती ना तो मैं शायद सखर तक भी नहीं जाता और इनको आलू वाली बिरयानी पसंद है या आलू के बगैर बिरयानी पसंद आलू के बगैर लेकिन बिरयानी तो खाते ना बस ऐसे ऐसा कोई खास शौक नहीं बिरयानी बनाओ आज बिरयानी बनी ये ठीक है और आज इस वक्त यासिर भाई का कितना वेट है पता है कम है चलो बताओ मान जैसे बताओ आज बता दे चले कितना हाँ। अभी कितना हो गया मैं क्यों बताऊंगा वो बता दो ऑलरेडी 80s में है कुछ 80s में हां मतलब एंड एंड आखिर बस 90 टच कर अच्छा जो करीब है हां 90 टच कर 92 है मेरा इस वक्त वेरी गुड वेरी गुड वेरी जो कि इंशाल्लाह 86 87 हो जाएगा ठीक है उम्र भी बता दो उम्र बताओ उम्र मसला नहीं है मेरी मुश्किल से 32 33 का हूं छोटा बेटा है ना क्योंकि वो भांडा फोड़ देता है हर जगह तो हमसे हमेशा पूछता रहता है मामा हाउ ओल्ड आर यू डैडी तो हम लोगों ने मैंने 25 बताई हुई अपनी 32 बताई तो हर साल वो बढ़ती है उतनी नहीं वो बेचारा उसको लगता है हम इतने के ही हैं और पूछता है आप इतने उतना ठीक है मैंने कहा तुम तो कहीं बता दोगे और छुपके एक दफा मैं निदा से छोटी एज बता दूंगा मैं निदा से 3 साल छोटा हूँ पता है
उसने निदा को बताया, निदा ने फिर डांटा है उसको, कम से कम कर रहा हो ये तो ना बताओ ना कि मुझसे छोटे हो। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आज तक यासिर भाई ने आपके लिए सबसे रोमांटिक चीज क्या की है या सबसे रोमांटिक बात क्या की है? अब ये ना बोलिएगा 21 साल में कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं किया। नहीं नहीं किया होगा, किया होगा नहीं, कुछ जो किया है सबसे जो आपको उनकी सबसे रोमांटिक अदा लगी है जो आज तक की 21 साल में। देखिए 21 साल में ना फिक्स नहीं हो सकती चीजें, क्योंकि ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कब किसका मूड अच्छा है क्या। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, की है तो 21 साल टिके हैं ना एक साथ, कुछ ना तो ऐसा होगा ना इस शख्स में। इतनी भी मेरी मजबूरी नहीं है, कोई तो अच्छी बात होगी, मुझे प्यार होगा तभी टिकी हुई हूँ ना साथ। तो है अब तो हम दोनों की आंखों में, हम पहले इतने भरे हुए हैं भाई, बच्चों के साथ सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, और घूमने फिरने का होता है कि जैसे ये आखिरी वक्त तक कहते रहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद ही प्लान करो छुट्टी, मैं नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, रिकॉर्डिंग है फलाना है। फिर आखिरी 3-4-5 दिन में सरप्राइज होता है, अच्छा चलो मैं चल रहा हूँ, वो फिर बहुत मजा आता है। दफा निदा बच्चे चले गए, मैं नहीं गया हूँ, बाद का बिजी होता था, बाद का मैं टूपी कराता था, यहाँ आके बोर होता था यार, ये सब चले गए यार। हाँ, मैं ये पूछने वाला था यहाँ पे आप करते क्या थे? नहीं मैं बोर होता था, तस्वीरें देख रहा होता था, वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे ये जगह ये है, फिर मैं सड़ला होता था। हाँ, फिर मैं यार ये सब सोचता था ना यार ये मसले होंगे, वहाँ अकेला बोर होऊंगा, अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ यार, ये प्लान बन जाता था हमेशा। लेकिन इसमें रोमांटिक बात बोली थी, रोमांटिक नहीं है ये, बहुत प्रैक्टिकल। आपने आज तक कोई आपको याद नहीं? एक दफा मैंने इनको बोला कि देखो कितना फलक कितना अच्छा है सारा को, रोज गुलाब का, रोज गुलाब का, ये गए पार्क हमारे और एक साथ एक हफ्ते के बहुत सारे फूल लेके आए, गुलाब के नहीं थे जो तोड़ के लाए मुफ्त में, और कहेंगे ये लो एक हफ्ते का कोटा पूरा, रोज नहीं दे, नहीं गुलाब उसके नहीं दे, पार्क के नहीं दे, पार्क के छूट पे आए हुए थे, मैं यार गाड़ी में रखवा दे और हंसे जाए ये लो एक हफ्ते का कोटा पूरा, हंसे जाए। मैंने फलक को भी बताया था, मैंने कहा देखो ये किया मेरे मियाँ। मैंने दरअसल भी सारे फूलों वाले लगाए हैं, जैसे फूल आते हैं जब गिरते हैं, मैंने कहा तुम गुजरती हो ये फूल गिरते हैं, तुम्हारी भी से लगाए मैंने। अच्छा आपकी हाउ वेल डू यू नो निदा, निदा का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? निदा बस पाकिस्तान से बाहर कोई भी जगह, यूरोप है स्पेशली, यूरोप कोई एक पाकिस्तान के अंदर भी जगह पसंद है लेकिन मगर यासिर कहते हैं कि वो एज सेलिब्रिटी हमें सब पहचानते तो हम खुल के नहीं घूमते, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए वरना पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। तो बताओ क्या है मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन? यूरोप है, लेकिन एक शहर आपने बताना, शहर नहीं, स्विट्जरलैंड पसंद है निदा को, बस स्विट्जरलैंड पसंद है निदा को। कितनी बार गई हैं आप स्विट्जरलैंड? बहुत दफा, हम तो मुझे काफी बहुत स्विट्जरलैंड जाते हैं, इतने में एक जमीन वहाँ पे यश चोपड़ा लेक है, यश चोपड़ा के नाम पे स्ट्रीट भी है, कोई पता नहीं थोड़ी देर में निदा के नाम पे भी हो यार, इतनी आती है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, निदा होगा इंशाल्लाह, उनका भी एक पुल होगा निदा के नाम पे। अच्छा अच्छा ये बताएं कि निदा का फेवरेट फूड, फेवरेट डिश उनकी क्या है? फेवरेट बात बताऊंगा, चिकन जरूर होनी चाहिए। नहीं ये क्या बात, चिकन तो फेवरेट है निदा, नहीं फेवरेट डिश जो जो उनका जिस दिन बहुत ही उनका खाने का दिल चाह रहा हो ये खाना। कुछ रेस्टोरेंट से खाने पसंद है निदा को, जैसे जेंडर्स पसंद है और एक दो और रेस्टोरेंट। ये सही जवाब नहीं दे पा रहे ना? नहीं सही दे रहा हूँ। एक फेवरेट डिश होती है, पता होता है यार कि इनको ये डिपेंड करते, देखिए वैरी करते, कभी सैलेड्स पसंद आती है, जब डाइट कर रही होती है तो सैलेड्स पसंद है, हम सैलेड खाने बाहर जाते हैं तो वो वैरी करता है ना, वो 21 साल तक एक डिश फेवरेट है। और निदा को दौरे पड़ते हैं यार बस मैं अब ऑर्गेनिक चीजें खाऊंगी, तो 4-6 दिन ऑर्गेनिक चीजें खाएंगी, फिर अचानक निदा कहेगी मुझे यार मैं अब सोच रही हूँ मैं दोपहर में सिर्फ फ्रूट्स खाया करूँ। हाँ। तो मगर ये सब 5-6 दिन का होता है, दोपहर में फला फ्रूट कट रहा है, फला चीजें हो रही हैं, 100 kg नहीं पहुंचती, जहाँ होती हूँ 2-3 उससे ऊपर। हमारी टेंडेंसी नहीं है, हमारी हमारी मसला है, हमारे साथ पराठों की बात करो, बच्चे पैदा किया टेंडेंसी का क्या, ऐसी क्या, एक्सक्यूज मी, 3 बच्चे मैंने ही पैदा किए। मैंने भी उस दिन किसी को बोला, किसी ने बोला यार तुम्हारा वेट, मैंने कहा 2 बच्चे पैदा किए भाई और क्या, तो क्या ऐसे थोड़ी। अच्छा निदा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? निदा की बेस्ट फ्रेंड वैसे तो ये कहेगी कि उसकी बहनें हैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेज, हाँ बहनों की बहनें बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज की हैं नादा है, नदा है, NADA पता है, हाँ हाँ वो एक फायजा है और दूसरी तीसरी। वो तीसरी फायजा हो गई, तीसरी वो है ना जो ब्रांड जो आसमा, तो सबके बताए यार। अच्छा दोस्तों के नाम बताए उनको, आसमा जो है ना, पुरानी है ना आसमा जो है वो ब्लैक कपड़ों में अच्छी लगती है यार की।
दोस्ती नहीं है जैसे आसमा फायजा और नदा से और बहने देखो मैं जानता हूँ। आप बिल्कुल जाने और आखिरी